अच्छा, गुरुजनों से ही मार्ग क्यों पूछना चाहिए? इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं, जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। मार्ग बताने वाले भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें, तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पचासक आए। पचासक, पचास लोग आए किस लिए? मार्ग बताने के लिए। और मार्ग चलने वाले कितने का? चार, श्री राम जी, जानकी माता, लक्ष्मण जी और निखादराज गु। चार चलने वाले हैं, पचास बताने वाले हैं। यह तो उस युग की बात है, कम से कम चार चलने वाले फिर भी थे। अब राम जी के युग की यह बात है तो आज की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है। अच्छा, पचास आए और सकल कहीं मग दीखा हमारा, सभी कह रहे हैं हमारा देखा हुआ रास्ता, हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो। अब बोलो चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं? क्यों, पचास की बात मानकर चले कैसे? और सभी अपनी जानकारी को ठीक बताते हैं, तब क्या करना चाहिए? श्री भरद्वाज जी ने एक निर्णय किया, मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर 50 तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है वेद भगवान। तो भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है, तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या है? कि कहीं जाकर हम ठहर जाएं, तो ठहरे कहां? यह भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरी कर निवासु चित्रकूट गिरी कर, चित्रकूट गिरी कर, चित्रकूट करहु करहु। चित्रकूट गिरी करो निवास। अब चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो जितनी साधनाएं हैं यह चित्त को शुद्ध करने के लिए है, इनका उद्देश्य ही यही है। और जब चित्रकूट चित्त पवित्र हो जाएगी तो ये कूट शब्द भी बड़ा अच्छा है, कूटस्थ।
स्वरूपस्थ हो जाना, यही तो गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का उद्देश्य है। साधना के मार्ग पर चलकर राम कथा मंदाकिनी के तट पर बसे हुए पवित्र चित्त के चित्रकूट में पहुंचकर कूटस्थ स्थित हो जाना, यही जीवन का साधना का लक्ष्य है।